Tylko jak komisja i grywa ja patę raz. Chyba na radę mu bywala muzyka mi da. Tym nie mieli jeźdź. Szybko! Wiewiela mnie gory. मजा आया। ओके, ये रहे आपके टॉप 5 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। ये मजा आएगा ना भिड़ो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, उसके बाद गेम प्ले में अप्लाई करोगे ना, बस 2-3 दिन में लेजेंड्स प्लेयर बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शाबाश बेटा। और आप लोग प्रो प्लेयर एंड लेजेंड्स प्लेयर बनना चाहते हो, आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो आज की वीडियो छोटा है, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जो भी चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो भाई है ऐसा ही नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके भाई कैसे आगे जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। प्रो टिप नंबर 1, जब भी आप लोग गेम को ओपन करोगे, यानी कि आप लोग दिन का पहला मैच खेलने जाओगे, आपको सबसे पहले 10 या 15 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड खेलना है, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको रैंक क्लास स्क्वाड या कस्टम खेलना है, इससे आपका गेम प्ले बहुत इंप्रूव होगा। अगर आप लोग बिना ट्रेनिंग ग्राउंड खेले सीधे ही रैंक क्लास स्क्वाड या फिर कस्टम खेलने लग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों का गेम प्ले बहुत ज्यादा बेकार होगा एंड आप लोगों को ऐसा लगेगा आप नूब हो। तो प्लीज आप लोग दिन का पहला मैच ट्रेनिंग ग्राउंड से स्टार्ट करो, आप लोगों का गेम प्ले पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, और ये सीक्रेट ट्रिक्स हर एक प्रो प्लेयर यूज करता है। टिप नंबर 2, मैं बहुत प्लेयर्स का गेम प्ले देखता हूँ, वो लोग क्या गलती करते हैं, और ज्यादातर न्यू प्लेयर्स ऐसा गलती करते हैं। देखो रन करने के टाइम हाथ में गन लेके रन करता है, इससे वो प्लेयर्स का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, आप लोग ही देखो, और देखने में नूब नूब लगता है। आप लोगों को रन करने के टाइम हाथ में गन नहीं लेना है, गन छोड़ के रन करना पड़ेगा, इससे आपका मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। टिप नंबर 3, देखो हमारे फ्री फायर गेम में क्या होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर थोड़ा ज्यादा स्पेस देखने के लिए मिलता है, और ज्यादातर न्यू प्लेयर्स क्या गलती करते हैं, लेफ्ट साइड से ड्रैग करते हैं। देखो लेफ्ट साइड से ड्रैग अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे वो प्लेयर्स का हेडशॉट ना लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है, आप लोगों को हमेशा राइट साइड से ड्रैग करना पड़ेगा, ओपोनेंट एनिमी को इजीली ड्रैग हेडशॉट दे पाओगे और आपका हेडशॉट लगने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। टिप नंबर 4, देखो आप लोगों के साथ कभी कभार ऐसा होता है कोई बंदा ग्लूअल के पीछे रहता है, जब आप लोग रश करने के लिए जाते हो आप ऐसा क्या गलती करते हो जिससे आप एनिमी को नहीं मार पाते हो, ओपोनेंट एनिमी आपको मार के चला जाता है, आप लोग क्या गलती करते हो देखो, और ज्यादातर न्यू प्लेयर्स ऐसा ही गलती करते हैं। ग्लूअल के पीछे कोई बंदा है, आप लोग जब भी रश करने के लिए जाते हो तो ओपोनेंट एनिमी के राइट साइड से रश करते हो, ओपोनेंट एनिमी आपको आसानी से मार देता है। आप लोगों के सामने ग्लूअल के पीछे कोई एनिमी है, आप लोगों को हमेशा एनिमी के लेफ्ट साइड से रश करना पड़ेगा, ग्लूअल के पीछे एनिमी को आसानी से मार पाओगे। टिप नंबर 5, आप लोग जब भी किसी बंदे के साथ फाइट करते हो आप लोग एक छोटी सी गलती करते हो, ओपोनेंट एनिमी जब आपको थोड़ा सा डैमेज करता है जैसे कि 50 से कम, तो आप वॉल नहीं लगाते हो और खुले में रह के फाइट करते हो, इससे ओपोनेंट एनिमी को इजी होता है वो आपको मार दे। आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, जब भी आपको थोड़ा सा डैमेज पड़े आपको वॉल लगा लेना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी किसी प्रो प्लेयर को थोड़ा सा डैमेज पड़ता है 5 या 10 का, तो वो फर्स्ट वॉल लगा लेता है। आप लोगों को ये जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया 100% वर्किंग ट्रिक है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इससे आप लोगों का गेम प्ले पहले से अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।